तो फ्रेंड्स, इतना बड़ा मनोज दे यूट्यूबर क्यों बना, उसके पीछे कुछ रीज़न होगा, वो क्यों बना। वो एक गरीब घर का व्यक्ति था और अपनी ज़िंदगी में उसने पढ़ाई किया, वो ITI भी किया और उसके पापा साइकिल का मिस्त्री कर रहे थे, साइकिल बना बना के उसको पढ़ाई वढ़ाई किए, वो आगे बढ़ा। उसका सोच क्या था कि मैं एक नौकर नहीं एक मालिक बनूँगा, ऐसा वो सोच रखता था। और आज मनोज के पास क्या नहीं है, उसने फर्स्ट में उसने अपना घर का बनवाया, फिर बुलेट लिया, फिर उसका एक अपाची भी है, फिर ज़मीन भी लिया अभी घर बनाने के लिए, और उसने कार भी लिया, 25 लाख का कार लिया। तो ऐसा उसने 4-5 साल से ही काम करते हुए बहुत ही सक्सेस की ओर पा गया उसने। और उसने कभी उसके माता पिता उसके जो सोच था उसको पहचाने नहीं होंगे कि ये भी मनोज, ये मेरा बेटा इतना बड़ा काम कर सकता है और इतना सक्सेस की ओर हमें ले चलता है, ले सकता है, ऐसा उसके माता पिता कभी सोचे नहीं थे कि नौकरी करेगा बेटा, 15-20 हज़ार कमाएगा और चलेगा किसी तरह अपना ज़िंदगी लाइफ, यही सोचा उसका पापा। लेकिन मनोज आज वो किया है जो झारखंड के लोग कभी सोचे थे नहीं होंगे कि मुझे वहाँ तक पहुँचना पहुँच सकते हैं अपने ज़िंदगी को बदलने के लिए। ऐसा मनोज ने करके दिखाया और आज पूरा भारत में लोग उसको जान रहे हैं, सभी यूट्यूबर लोग उससे मिलने आ रहे हैं, सभी कोई अगर कोई उसका वीडियो ही बना के डाल दे तो उस थोड़ा सा ही वीडियो कि ये घर है उसका, ये मनोज दे यहाँ पर आए तो उसका वीडियो वायरल हो रहा है, ऐसा इंसान बन गया है। तो इस तरह से हम कैसे बन सकते हैं, हमें अपने सोच को बदलना पड़ेगा, अपने जहाँ माहौल में रहते हैं उस माहौल को बदलना पड़ेगा, उस घर को बदलना पड़ेगा, सब तभी हम एक सक्सेस उस रास्ते में पहुंच सकते हैं, वहां तक उस मंजिल तक पहुंच सकते हैं। या नहीं कि हम जहां हैं बस वही मेरा ज़िंदगी, वही हम रह सकते हैं, ऐसा सोच इंसान को नहीं रखना चाहिए। इंसान को ऐसा इंसान बनना चाहिए कि कहां क्या बोलना है, क्या करना है और किसके सामने किस तरह से बोलना है और कैसे रहना है, ज़िंदगी को पहचानना चाहिए कि मनुष्य जन्म हमें बार बार नहीं मिलेगा, एक बार मिला है। अरे जवानी हमें बार बार नहीं मिलेगा, जवानी भी हमें सिर्फ 5 से 10 साल ही मिल रहा है, उसके बाद हमें अपना परिवार चलाना है, अपनी ज़िंदगी को बदल नहीं सकते। हमें सिर्फ 5 से 10 साल में ही अपने ज़िंदगी को हम जिस रास्ते से में ले जाना चाहते हैं वहाँ तक हम ले जा सकते हैं। ये मनुष्य जन्म बहुत ही कठिन है जीना, इसको जो समझ लिया उसका ज़िंदगी बदल गया, लेकिन जो नहीं समझा अपने समय को वो आज पछता रहा है और अपने ज़िंदगी में रो रहा है। ऐसा इंसान को सोचना चाहिए कि जो हमें समय मिला है वो हमें बहुत, हमें जो भाग्य से हमें जो मनुष्य तन मिला है ये बहुत ही भाग्य था जो मुझे भगवान ने उस घर में, उस माहौल में, उस गांव घर में हमें भेजा कि हम उस गांव घर को बदलने के लिए, या तो उस गांव को या उस परिवार को हम कैसे बदल सकते हैं उसको सोचने के लिए हमें इस भगवान ने भेजा। और उस गांव को बदलने के लिए हमें कोशिश करना होगा और उस मंजिल तक पहुंचना होगा। तो आइए फ्रेंड्स, हम मिलके चलते हैं और आज से हम कुछ ऐसा वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए, कुछ ज्ञानवर्धक बातें बताएंगे कि अगर हमें बोलने में भी कुछ गलत हो जाए तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। लेकिन फ्रेंड्स, मनुष्य जीवन हमें बार बार नहीं मिलेगा और मनुष्य जीवन का जो जवानी का समय है, जो हमें बदलने का समय है, वो हमें बार बार नहीं मिलेगा। हमें अपने ज़िंदगी में बदलने के लिए, अपने लाइफ को बदलने के लिए हमें काफ़ी संघर्ष की ज़रूरत है। जो हमें समय नहीं है, वो समय नहीं है लोग बोलते हैं, उसको समय देने के लिए और अपनी ज़िंदगी में बदलने के लिए, उस रास्ते में चलने के लिए बताना होगा, ताकि सभी लोग बदल सकें। जो ज्ञान की बातें हैं वो हमें कोई नहीं मिलता, वो हमें अपने आप अपने दिमाग में हमें बसाना होगा कि मुझे अपने ज़िंदगी में जो मनुष्य जीवन मिला है उसको हम बेकार जाने नहीं देंगे, इसको एक सक्सेस और जो हम सोच रखते हैं उस सोच को पूरा करके रहेंगे, यही सोच के साथ इस वीडियो का यही अंत करते हैं। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के पास शेयर करना। अगर कुछ मेरे जवानों में मेरे जो बोलने का तरीका था वो गलत है या कुछ भी है तो फ्रेंड्स आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उसको सुधार करने की कोशिश करूँगा और अगले बार कुछ अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।